आने वाले टाइम पे संघर्ष और मजबूत होंगे और मजबूत करने पड़ेंगे। जिस तरह की पॉलिसी सरकारों की आ रही, जिस तरह से किसान की जमीन लूटी जा रही है, क्योंकि अभी इलेक्शन आ जाएगा, ये बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये किसान को कहेंगे कि एमएसपी मांग रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी। एमएसपी तो है, ठीक है और रहेगी। हम एमएसपी पे गारंटी कानून मांग रहे हैं। जो दो दिन पहले जो आंदोलन हुआ, कल पूरे खबरें आई, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च, ये साइलेंट मार्च होता है। ट्रैक्टर ना चले और आंदोलन हो जाए दिल्ली के चारों तरफ, जिस तरह से हरियाणा में ये लग रहा था कि बहुत लोग कहते थे जी हरियाणा का किसान निकल नहीं रहा, मौका निकल लगा। हरियाणा बहुत मजबूत हमारा स्टेट है और हरियाणा के किसान ट्रैक्टर लेके हाईवे पर आए। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, मतलब बहुत स्टेट में ये प्रोग्राम हुआ है। जिस तरह से ये प्रोग्राम हुए, ऐसे ही समय समय पे जब एसकेएम कॉल दे तो प्रोग्राम होने चाहिए। अभी अपने काम धंधे करें, अपने संगठन बनाएं, एसकेएम का मजबूती देने की और प्रोग्राम करें और संगठन पे काम ये करें कि जो जिसकी जिस संगठन में आस्था है वो वहां पे काम करें। आने वाले टाइम पे संघर्ष और मजबूत होंगे और मजबूत करने पड़ेंगे। जिस तरह की पॉलिसी सरकारों की आ रही, क्योंकि अभी इलेक्शन आ जाएगा, ये बदनाम करने की कोशिश करेंगे। ये किसान को कहेंगे कि एमएसपी मांग रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी। एमएसपी तो है, ठीक है और रहेगी। हम एमएसपी पे गारंटी कानून मांग रहे हैं। जिस तरह से किसान की जमीन लूटी जा रही है, क्या किसी उद्योगपति के खेत में खंबा गढ़ता देखा? अगर उसने जमीन ले ली तो उसका खेत को बचा देंगे, किसान के खेत में गड़ेगा। तो इन सब मामलों में हमको मीटिंगें करनी पड़ेगी। अभी काम धंधे का टाइम है, सरसों की कटाई चल रही है, अभी फसलों की कटाई चल रही, बुंदेलखंड में कटाइयां शुरू होगी, मटर की कटाई है, सरसों की आ गई, हमारे यहाँ पे भी इन क्षेत्रों में भी कटना शुरू होगा। गन्ने का भी अब मार्च चल रहा, तो अप्रैल में दो महीने गन्ने का भी कड़ा मामला है। तो ये सारे इशू होंगे। अपना खेती बाड़ी को भी देखे और किसान आंदोलनों को भी देखे, अपने ट्रैक्टर को भी देखे। और खाली ट्रैक्टर ही, जो उसके औजार होते हैं दूसरे, जिस तरह से वे मिट्टी में पड़े हुए हैं, गांव में पड़े हुए हैं, देख रेख उनकी कम हो रही है, उनको भी सिंगवा कर रखे, उनको भी रंग रोगन करवा कर रखे। उनका जंग लगेगा, वे खराब होंगे, फिर पैसों की फेर खरीदोगे। तो जो है उनको ठीक करके रखे, और जो अपने औजारों को ठीक रखेगा उन परिवारों से भी मिलेंगे, उनको सम्मानित भी करेंगे। तो ये कंपटीशन भी होना चाहिए। जैसे हमको खेत हमारा अच्छा है, वो कंपटीशन है, ऐसे ही हमारे घर के औजार साफ सफाई रहें, ये नहीं कि उसमें घास जम रहे, तो वो भी अपना ठीक रखें, अपने छावे में रखें, ओस से बरसात से उससे बचा कर रखें। अपने ट्रैक्टर को भी, अपना बुग्गे झोटे को भी, उनको भी, सब लोग आस्था से अपना काम करें। जमीन इसी से ही बचेगी। जमीन से नफरत ना करो कि जमीन पैदावार नहीं दे रही तो बेच दो। आने वाले 20, 30, 50, 100 साल में ऐसा तो है नहीं कि सृष्टि खत्म हो जाएगी उनके लिए। जैसे व्यापारी अपनी चौथी पीढ़ी के लिए इकट्ठा करता है कि मुकदमा भी मेरा चौथी पीढ़ी लड़ेंगे, ऐसे ही जमीन को हमको बचा कर रखना अपनी तीसरी चौथी पीढ़ी के लिए। जमीन नहीं बेचनी, अपने काम धंधे करो, नशे पत्ती से दूर रहे, झगड़ों से दूर रहे, क्योंकि आप दो लोग अगर झगड़ा करेंगे तो पुलिस प्रशासन उसी में ही लपेट लगा आपको।
इन सब चीजों से बच के अपने काम धंधों पे ध्यान दो, अपने रोजगार पे ध्यान दो, नौकरी पे ध्यान दो और जमीनों को खोने का काम ना करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।